हिंदी ने पूरी दुनिया में विस्तार लिया है। हिंदी अब और ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और तेजी से विस्तार ले रही है। दुनिया भी हिंदी की ओर आस भरी नजरों से देखने लगी है। भले ही भारत सरकार की कार्य संस्कृति अंग्रेजी के सहारे चलती हो, लेकिन आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के भ्रमण के समय हिंदी में अपनी बात रखते हैं, लोगों से हिंदी में संवाद करते हैं, तो इसके मायने हैं। वे पीएम के साथ ही हिंदी के दूत भी बन जाते हैं। विदेशों में बसे भारतीय अब उन्हें सुनते हुए तालियां बजाते हैं तो बरबस उस सभागार में मौजूद विदेशी हिंदी के प्रति आकर्षित होते हैं। मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब संयुक्त राष्ट्र में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था, तब सदन में तालियों की गड़गड़ाहट सुनी गई थी। यह उनकी भाषण भाषा शैली का प्रभाव था। वहीं हिंदी फिल्में अब देश के साथ ही विदेशों में रिलीज हो रही हैं। जितना बिजनेस देश में होता है, कई बार उसके बराबर बिजनेस विदेशों से भी होता है। 15 से 20 साल पहले कोई फिल्म निर्माता 100 करोड़ बिजनेस की सोचता भी नहीं था, लेकिन आज अनेक फिल्में हमारे सामने ऐसी हैं जो कई कई 100 करोड़ का बिजनेस करके भी आगे बढ़ जाती हैं। यह हिंदी भाषा का प्रभाव है और बिजनेस पढ़ने में विदेशों की भूमिका है। वहीं गूगल ने कई साल पहले हिंदी की ताकत को पहचान कर खुद में अनेक बदलाव की शुरुआत की थी। हिंदी के प्रोफेसर अशोक चक्रवात और प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास समेत अनेक हिंदी विद्वान समय समय पर गूगल ने अपने अमेरिका हेडक्वार्टर तक बुलाए और उनके माध्यम से हिंदी भाषा का डिजिटाइजेशन किया था। अभी 5 साल पहले गूगल की हिंदी बहुत खराब थी, आज बहुत शानदार है। सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी ने जिस तरीके से हिंदी पर काम किया वो काबिले तारीफ है। बता दें, दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 602 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में हिंदी बोलते हैं। पहला स्थान इंग्लिश और दूसरा स्थान चीनी भाषा का है। आज कई देश ऐसे हैं जहां जाने पर आप बेहिचक हिंदी बोल सकते हैं। उधर राजभाषा की वेबसाइट कहती है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों में हिंदी इसलिए महत्वपूर्ण स्थान पर है क्योंकि यहाँ भारतीयों की संख्या बहुत आयत है। वहीं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान जैसे देशों में हिंदी की लोकप्रियता का कारण भारतीय संस्कृति का वहाँ के लोगों पर प्रभाव है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के कई देश हिंदी को आधुनिक भाषा के रूप में देखते हैं। अगर हिंदी बोलने वालों की बात करें तो साल 1971 में जहां देश में 37% लोग हिंदी बोलते थे, वहीं आज ये संख्या 43.6% हो गई है, जो यह पुख्ता करता है हिंदी बोलने वालों की संख्या न केवल देश के बाहर बल्कि देश के अंदर भी बढ़ रही है।